इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां अविघ्न पार्क की इमारत में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां। आग लगने का कारण अज्ञात। लोअर परेल इलाके के पास की ये घटना है। लोअर परेल के अविघ्न पार्क इमारत में लगी आग। बिल्डिंग की 35वीं मंजिल पर आग लगी। 22वीं मंजिल के फ्लैट तक आग फैली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई के अविघ्न पार्क इमारत में भीषण आग लग गई है। मौके पर पहुंची 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग लगाने का कारण अज्ञात। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भीषण तरीके से जो है ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि 35वीं मंजिल से जो आग लगी है वो अभी 22वीं मंजिल तक पहुंच चुकी है और लगातार यहां पर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, फिर भी आग जो है फैले जा रही है। 35वीं मंजिल से 22वीं मंजिल तक आग ने जो है, आग की लपटों ने पूरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया है। अविघ्न पार्क की एक इमारत की यह घटना है, जहां भीषण आग लग गई है। 35वीं मंजिल से आग अब 22वीं मंजिल तक पहुंच गई है। लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी लंबी इमारत है ये और 35वीं मंजिल में आग लगी थी जो अब 22वीं मंजिल तक पहुंच गई है और लगातार जो है ये फैले जा रही है। कोशिश पूरी है कि आग बुझा लिया जाए। मुंबई के अविघ्न पार्क की ये घटना है। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता संतोष मोरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, काफी भीषण आग लग गई है, देखा जा रहा है तस्वीरों में कि 35वीं मंजिल से जो आग लगना शुरू हुई है तो अभी तक 22वीं मंजिल तक पहुंच चुकी है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आज सवेरे जब लोअर परेल की अवधि जो बिल्डिंग है उसमें जो आग लगी थी और उसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन करने के बाद फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी है और जो है वो वहां घटनास्थल पर आ गए थे और उसके बाद आग को बुझाने का काम कहीं तभी शुरू हो गया था। बड़े पैमाने में आग लगी थी लेकिन अभी फिलहाल में तो आग काबू में आ गई है और पूरी तरह से अभी वो जो आग में कोई फंसा हुआ या इस प्रकार की तो कोई जानकारी अब तक सामने आई नहीं है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है लोअर परेल की, इससे पहले भी 2016 में ये बिल्डिंग में आग लगी थी और उस समय भी बड़े पैमाने पे लोग घायल और बड़े पैमाने में आग लगी थी। इसलिए ये बिल्डिंग की दूसरी घटना है और इसके लिए फायर ब्रिगेड के महापालिका की ओर से एक समिति भी गठित की गई थी पूरी जांच के लिए, लेकिन अभी तक उसकी कोई इसके ऊपर भी है जी बिल्कुल। अभी तक आग लगने का कोई कारण स्पष्ट हो पाया है कि किस वजह से आग लगी है? तो संपर्क हमारा उनसे टूट चुका है। तो बड़ी खबर आपको मुंबई से हमने बताई, जहां आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है। बता दें अविघ्न पार्क की इमारत में भीषण आग लग चुकी है। फिलहाल मौके पर 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी है और अभी तक आग पे काबू पा लिया गया है, मगर यह स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक कि कितने लोग अंदर फंसे हैं और कितनी जनहानि हुई है।